सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता, जाने क्या कहता है शास्त्र। मित्रों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कृपया वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। मित्रों, शास्त्रों में ऐसी कई बातों का जिक्र है जिनका कारण जान पाना मुश्किल होता है। इनमें से एक ऐसी बात है, सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने की मनाही है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनका कोई ना कोई संबंध हमारे जीवन से जुड़ा होता है। ऐसी कई बातें शास्त्रों में लिखी है जिनके बारे में हम जानते तो है, लेकिन उनके कारणों से अनजानी होते हैं। इन्हीं बातों में से एक है दाह संस्कार के नियम। हिंदू धर्म शास्त्र में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इन सभी संस्कारों में सबसे आखिरी होता है अंतिम संस्कार। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जिसमें सूर्यास्त के बाद कभी भी शव का अंतिम संस्कार न करना प्रमुख है। इसके पीछे कारणों के बारे में क्या कहता है शास्त्र। गरुण पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे में यदि व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तब भी दाह संस्कार के लिए सुबह का इंतजार किया जाता है। शास्त्रों की मानो तो रात में यानी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने पर स्वर्ग के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए यदि इस समय अंतिम संस्कार किया गया तो सीधे नर्क के स्थान में मिलता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कोई अंग दोष भी हो सकता है। हिंदू धर्म में रीति रिवाज और परंपराओं का बहुत पालन किया जाता है। इनमें कोई भी काम बिना किसी रीति रिवाज के संपन्न नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं होता है उसे मनुष्य योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा भटकती रहती है और मोक्ष से वंचित रहती है। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार न करने का विधान भी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही एक घड़े में पानी भरकर मृत शरीर के चारों ओर परिक्रमा करके और अंत में मिट्टी के बर्तन को फोड़ने के बाद यह माना जाता है कि आत्मा का शरीर के प्रति लगाव भंग हो गया है और उसे मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार हिंदू धर्मशास्त्र में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार न करने की मनाही होती है, और यदि इस नियमों का पालन न किया जाए तो व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु के बाद पर शव की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनाई जाती है। इसमें मनुष्य को घड़ा बनाया जाता है और घड़े में मौजूद जल को व्यक्ति का समय माना जाता है। जैसे जैसे छेद से बूंद बूंद पानी घटता जाता है वैसे ही उस व्यक्ति की आयु घटती जाती है। अंत में घड़े को फोड़ना यह दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया है और शरीर में निवास करने वाली आत्मा मुक्त हो गई है।